हेलो स्टूडेंट, देखो लास्ट क्लास में हमने हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी को कंप्लीट किया था, भौतिक गुण को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम हेलो एल्केन को कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले, कुछ रासायनिक गुण पढ़ने वाले। ठीक है, आज हम आपको रासायनिक गुण में सबसे पहले जो हेडिंग पढ़ाने वाले हैं वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक, और देखते हैं हेलो एल्केन की अभिक्रिया जब धातुओं के साथ कराते हैं तो क्या होता है। देखो, हमको पढ़ना है यहाँ पे पहले सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, फिर आपको पढ़ना है जिंक धातु के साथ अभिक्रिया, फिर आपको पढ़ना है मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, याद रखो, जब आप सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हो तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं वुड्स अभिक्रिया, और जब अगर आप जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराओगे तो उस अभिक्रिया को हम बोलेंगे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। और देखते हैं कि वुड्स अभिक्रिया कहते किसे हैं। देखो, वुड्स अभिक्रिया कहना क्या है कि आपको लेना है एल्किल हैलाइड। सबसे पहले आप लोगे एल्किल हैलाइड, जो भी एल्किल हैलाइड लोगे उस एल्किल हैलाइड को दो बार लेना है, तो एक बार आप और एल्किल हैलाइड ले लो, और इसकी अभिक्रिया करानी है सोडियम के साथ। लेकिन जब ये रिएक्शन कराना तो ये याद रखना कि आपको शुष्क ईथर एकदम जरूरी है, बिना शुष्क ईथर के ये अभिक्रिया कभी नहीं कराना। इंग्लिश में इसको बोलोगे ड्राई ईथर। ठीक है, चलो मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि शुष्क ईथर की जरूरी क्यों है इस रिएक्शन में। अब क्या करो, यहाँ से ये इतनी सारी चीज़ें तुम निकाल दो। देखो, ये निकलेगा कैसे, याद रखो कि सोडियम के ऊपर होता है एक प्लस और एक्स के ऊपर होता है एक माइनस। प्लस माइनस आपस में बराबर है तो ये आपस में ऐसे जुड़ जाएगा, इसका मतलब एक सोडियम एक एक्स के साथ जुड़ता है। तो बताओ कि यहाँ पे x कितनी बार हैं, दो बार हैं, तो कितने सोडियम आप लेने वाले हो, दो सोडियम लेने वाले हो। इसका मतलब एक सोडियम एक x के साथ तो दूसरा सोडियम दूसरे x के साथ निकलेगा, तो ये हो गया 2NaX। बताओ और क्या क्या बच रहा है, R बच रहा है और यहाँ एक R बच रहा है, तो दो R को एक साथ आप जोड़ दो। जब दो R को एक साथ जोड़ते हो तो इसी को हम पढ़ते हैं एल्केन। क्या पढ़ोगे इसको, एल्केन पढ़ने वाले हो। इसका मतलब जो वुड्स अभिक्रिया होती है उस वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, और जब सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्केन की प्राप्ति होती है। कन्फर्म ना, चलो कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं इसका कि कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं। आर के जगह पर मान लो मैंने ले लिया CH3, और एक्स के जगह पर मैंने मान लो ले लिया Cl, और ये मैंने क्या किया, दो सोडियम ले लिया, और यहाँ से मैंने Cl और यहाँ पे मैंने ले लिया CH3, और ये है मेरा ड्राई ईथर शुष्क ईथर। तो आप क्या करने वाले हो, इतनी सारी चीज़ों को एक साथ निकालने वाले हो। तो जब एक साथ निकल गया तो बताओ ये क्या हो गया, CH3, और ये क्या हो गया, CH3 हो गया। बोलो कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। और क्या निकालने वाले हो, 2NaCl। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दो कार्बन है और हाइड्रोजन कितनी बार हैं, 6 बार हो गए। ये किसका फार्मूला है, तो ये एथेन का फार्मूला है। कन्फर्म हो ना। इसी तरीके से मान लो अगर हम देखें, मेरे पास कार्बन हो गया 2 और हाइड्रोजन 5, और इसके साथ मैंने मान लो जोड़ दिया Br, और यहाँ से मैंने ले लिया 2Na, और फिर उसके बाद BrC2H5, और ये रिएक्शन मैं करा रहा हूँ ड्राई ईथर की उपस्थिति में। बताओ इतनी सारी चीज़ें तो आप निकाल दोगे, जब ये निकाल दोगे तो बताओ क्या क्या बचा, C2H5 और C2H5 इधर बचा। क्या निकाले हो, 2NaBr निकाले हो, हाँ ना। बताओ इसको तुम क्या लिख सकते हो, दो कार्बन यहाँ, दो कार्बन यहाँ, टोटल कितने कार्बन, 4। 5 हाइड्रोजन यहाँ, 5 हाइड्रोजन यहाँ, टोटल कितने हाइड्रोजन, 10। इसका मतलब इसको लिखोगे ब्यूटेन। मजे की बात बताएं तुमको, मजे की बात यह है कि इस अभिक्रिया से जब भी तुम्हारा एल्केन बनेगा तो हमेशा सम संख्या में बनेगा, या तो 2 का बनेगा, या तो 4 का, या तो 6 का, या तो 8 का। आप चाहो इस अभिक्रिया से 3 कार्बन का एल्केन बनाना नॉट पॉसिबल, 5 कार्बन का बनाना नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इस रिएक्शन से केवल और केवल यहाँ पे सम संख्या का एल्केन बनने वाला। इतनी बात समझ में आ रहा है ना, ओके। आओ देखिए अगला कुछ और कॉन्सेप्ट।
अब हमको करना क्या है कि अब हमको इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देखनी है। तो क्रियाविधि देखो कैसे करना है, बताओ। तुम जो है सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करा रहे हो ना, तो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराए हो, सोडियम क्या करेगा अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। सोडियम जैसे अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन निकालने पे कैसा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। बताओ कितने सोडियम लिया था आपने, दो। इसका मतलब यहाँ पे जब सोडियम दो ले रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को भी कितना निकालोगे, दो। एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, तो दो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन, दो। अच्छा देखोगे एक सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन, दो सोडियम है तो दो इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ सोडियम दो बार लियो तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, दो से मल्टीप्लाई कर दोगे, हाँ ना। चलो अब देखो तुम क्या किए हो, तुम रिएक्शन में, जैसे मान लो मैं रिएक्शन को कुछ ऐसे कर रहा हूँ कि पहले मेरे को रिएक्शन कराना कैसे है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लो मेरे को रिएक्शन कराना ये वाला, ये मान लो मेरे को रिएक्शन कराना CH3 CH2, और ये मान लो Cl, और ये हो गया सोडियम, ठीक है। जो चीज़ यहाँ ली हो वही चीज़ एक बार और ले लो, Cl CH2, और ये हो गया CH3, और ये होगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो इतनी सारी चीज़ें तो निकाल लोगे ना, चलो जब इतनी सारी चीज़ें निकाल लोगे तो ये हो गया CH3 CH2 CH2, और ये हो गया CH3, और निकालोगे आप 2NaCl। अब इसी रिएक्शन का हमको क्या करना है, क्रियाविधि देखना है, ठीक है। तो देखो क्रियाविधि देखनी हमको, मैकेनिज्म देखना है, मैकेनिज्म क्रियाविधि। बताओ सोडियम कितना लिए हो आप, दो लिए हो, तो यहां से होगा क्या कि सोडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। धातु है ना, धातुएं अपने अंदर से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालती हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी एक ही इलेक्ट्रॉन के निकालने की है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक निकालेगा इसके ऊपर आ गया एक प्लस। यहाँ सोडियम कितनी बार है, दो बार है, तो एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, तो अगर दो सोडियम है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दो। इधर सोडियम दो बार है तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई कर लोगे, दो से। बताओ ये जो एल्किल हैलाइड है CH3 CH2, और ये मान लो Cl, ये भी दो बार है ना, तो आप क्या करो दोनों को लिख लो CH3 CH2, और ये मान लो हो गया Cl। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ निकले हैं, दो। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। ये देखो ये Cl है ना, हैलोजन है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा होती है, पिछली क्लास में हमने बताया भी है। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है उसके ऊपर आंशिक माइनस आता है, और जिसका कम होता है उसके ऊपर आंशिक प्लस आता है। इसके ऊपर आंशिक माइनस, इसके ऊपर आंशिक प्लस हो गया। अब होगा क्या कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा इस कार्बन के पास, और यहाँ पर ये भी यही काम करने वाला है। ये बोलेगा कि देखो क्या है ना कि तुम प्लस हो और क्या है कि मैं माइनस हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ गठबंधन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस केसेस में ये क्या करेगा, इनके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या होगा कि ये जो है ना वो CH3 और ये हो गया CH2। जैसे इस पे अटैक करेगा तो ये क्या करेंगे, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। देखो ये बॉन्ड बना ना ये वाला, तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो ये क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर देखो ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, और उसके बाद ये पार्शियल माइनस है, तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसका उसके, इसका मतलब हो गया इसके ऊपर पूरा माइनस चार्ज आ गया, कन्फर्म हो ना। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलेंगे मुक्त मूलक, क्या बोलोगे, ये मुक्त मूलक कहलाएगा। यहाँ पर भी यही काम होने वाला है, CH3 CH2। यहाँ से फिर देखो क्या होगा कि Cl अलग हो गया और Cl के ऊपर आ गया माइनस, और यहाँ पे भी क्या हो गया, मुक्त मूलक आ गया। जब दो मुक्त मूलक आपस में मिलते हैं ना तो जुड़ के एक पूरा बंध बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो एक मुक्त मूलक यहाँ है, एक मुक्त मूलक यहाँ है। देखो मुक्त मूलक का मतलब इलेक्ट्रॉन, खाली इलेक्ट्रॉन ही समझ लेना। इसका मतलब ये देखो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, यहाँ पे मुक्त मूलक है ना। उसी तरीके से यहाँ बताओ ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3,
यहाँ पे मुक्त मूलक है। अब ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे जुड़ेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ गया, तो जब जुड़ेगा तो बताओ इनके बीच में बॉन्ड बनेगा ना, ये बन गया, ऐसे बॉन्ड बन गया, कोई दिक्कत? यही बनाए थे ना आप, देखो यहाँ बन गया कि नहीं बन गया। अब क्या होगा, ये वाला और ये वाला आपस में तो गठबंधन कर लिए, तो बताओ बाकी कौन कौन बच रहा है, ये वाला Cl बच रहा है, ये वाला Cl बच रहा है, दो Cl माइनस बच रहे हैं और कितने प्लस हैं, दो प्लस हैं, इसका मतलब दो Na प्लस और दो Cl माइनस आपस में गठबंधन करके बताओ क्या बना लेंगे, 2NaCl बना लेंगे, कंफर्म हो कि नहीं। इस तरीके से क्या हो गया कि ये आपकी पूरी तरीके से मैकेनिज्म हो गया, कंफर्म हो कि नहीं हो, ये जो है बुर्जव क्रिया का एक तरीके से क्रियाविधि हो गया। मुझे आशा है कि आपको बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, बुर्जव क्रिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो और देखते हैं, प्रैक्टिस करना आपको, देखो डायरेक्ट कैसे करना है। ये बुर्जव क्रिया है, एल्किल हैलाइड है, शुष्क ईथर है, सोडियम के साथ अभिक्रिया करानी है। इस रिएक्शन को कैसे करना है, सबसे सिंपल मैं जुगाड़ आपको बताऊंगा। आप क्या करो ना, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करो, बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये CH3 मुक्त मूलक लिख लो और यहाँ का CH3 एक बार और मुक्त मूलक लिख लो, क्योंकि इसको कितनी बार लोगे, दो बार, पर वो लिखा नहीं गया है, डायरेक्टली आपको करना मैं सिखा रहा हूँ। ये वाला मुक्त मूलक, ये वाला मुक्त मूलक आपस में मिल गया, तो ये क्या हो गया CH3, आसान है ना। यहाँ देखो, यहाँ से क्या करो, बॉन्ड ब्रेक करो, जैसे बॉन्ड ब्रेक करोगे तो बताओ यहाँ से क्या हो गया, CH3 CH CH3, बताओ यहाँ पे मुक्त मूलक मिलेगा। सेम इसी तरीके से एक मुक्त मूलक और लिख लो, कन्फर्म, ये वाला आपस में मिल गया, तो जब मिलेगा तो बताओ क्या हो गया, CH3 CH और CH3, ये CH और ये हो गया CH3 और यहाँ भी CH3, कितना आसान है ना। अच्छा ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहाँ से क्या करोगे कि यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करो, जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये बताओ ये आपका कुछ ऐसे बनने वाला है, और यहाँ पे एक मुक्त मूलक और एक और लिख लो, यहाँ पे एक मुक्त मूलक, इस दोनों मुक्त मूलक को जोड़ो, तो जब आप दोनों मुक्त मूलक को जोड़ोगे तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड बन गया ना, एक मुक्त मूलक इनका, एक मुक्त मूलक इनका है, हम दोनों को ऐसे जोड़ लो, आसान है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है कि दो इसमें हैलोजन है, तो जब दो हैलोजन आए तो दोनों को ऐसे जोड़ लो, तोड़ लो पहले, तोड़ने के बाद ये देखोगे ये ऐसे बन गया ना, यहाँ पे एक मुक्त मूलक यहाँ है, तो इसमें क्या हुआ है कि इसी में दोनों मुक्त मूलक मिल गए हैं, तो जब दोनों मुक्त मूलक इसी में मिल गए तो ये आपस में ही बंध बना लेंगे, तो जब आपस में बंध बना लेंगे तो ये देखो ये ऐसे हो गया, एक मुक्त मूलक यहाँ का, एक मुक्त मूलक यहाँ, दोनों आपस में ऐसे बंध बना लिए, आसान है। अच्छा चलो अगला देखो, मैं क्या करूँ, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करूँ, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करूँ, जब बॉन्ड ब्रेक करूँगा तो देखो क्या होगा, बॉन्ड को तोड़ूँगा तो देखो यहाँ मुक्त मूलक, यहाँ मुक्त मूलक, अब ये दोनों मुक्त मूलक आपस में गठबंधन कर लिए, तो जब आपस में गठबंधन कर लेंगे तो बताओगे ये दोनों ऐसे बन गया कि नहीं बन गया, कन्फर्म। अच्छा यहाँ से देखो क्या करो, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करो, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद बताओ CH2 CH2 और ये हो गया CH2, ये वाला मुक्त मूलक, ये वाला मुक्त मूलक, इन दोनों मुक्त मूलक को ऐसे जोड़ो, तो जब ऐसे ये वाला मुक्त मूलक इस मुक्त मूलक से जुड़ेगा तो ऐसे त्रिभुजाकार बन गया ना, इसका मतलब ये ऐसे बनेगा CH2 CH2 और ये हो गया CH2, यहाँ भी मुक्त मूलक है और यहाँ भी मुक्त मूलक है, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ गए। इस वाली संरचना को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आसान है कि नहीं आसान है। चलो यहाँ देखो, यहाँ क्या करने वाले हो, इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे, तो तोड़ने के बाद देखो ये और ये वाली संरचना बनी, एक मुक्त मूलक यहाँ, एक मुक्त मूलक यहाँ, एक मुक्त मूलक यहाँ, एक मुक्त मूलक यहाँ,
ये आपस में जुड़ गया, ये आपस में जुड़ गया, इसका मतलब ये वाला जो संरचना बनेगा ये कुछ ऐसे बन गया। आसान है कि नहीं आसान है? ठीक है चलो। अब देखो, अगर मान लो तुम वुड जब क्रिया कराए हो, तो जब वुड जब क्रिया कराए हो तो जो एल्किल हैलाइड ले रहे हो वो सेम ले रहे हो ना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आर एक्स लिए हो और ये सोडियम के साथ रिएक्शन कराए हो, तो जो यहाँ पे लिए हो वही चीज़ यहाँ पे भी ले रहे हो, बोलो। लेकिन अगर मान लो हम क्या करें कि इसको और इसको अलग कर दिए, जैसे अलग करने का मतलब हो गया कि जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3Cl और मैंने ले लिया सोडियम, और यहाँ पे मैंने Cl और यहाँ पे मैं ले लिया C2H5, ठीक है। तो देखो ये वाला R और ये वाला R दोनों अलग हो गया ना, तो जब दोनों R अलग होगा तो इसमें तीन उत्पाद बनने वाले हैं, ठीक है। ये वाला R डैश हो गया और ये R हो गया, तो देखो कैसे बनने वाले हैं। आपको करना क्या है, देखो ये वाला जो R है ना, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करो और यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करो। तो जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो देखो ये पे R डैश और यहाँ पे भी बन गया R डैश, सॉरी ये R मुक्त मूलक और ये R मुक्त मूलक, और यहाँ से क्या हो गया R डैश का मुक्त मूलक और ये हो गया R डैश का मुक्त मूलक। ये आपस में एक बार जुड़ेंगे और ये आपस में एक बार जुड़ेंगे, और उसके बाद ये आपस में एक बार जुड़ेंगे। मतलब क्या करना है कि पहले तो यही आपस में जुड़ेंगे, इसका मतलब ये R और R आपस में जुड़ गए। अब ये क्या हो गया, R डैश और R डैश आपस में जुड़ गए। अब उसके बाद इसमें से ये वाला और ये वाला एक बार आपस में जुड़ के तो R और R डैश बना लेंगे, कन्फर्म। जैसे यहाँ देखो ये CH3 है ना, तो CH3 मुक्त मूलक और यहाँ क्या हो गया CH3 मुक्त मूलक, और यहाँ पे बताओ क्या हो गया C2H5 मुक्त मूलक और C2H5 मुक्त मूलक। तो बताओ क्या करूँ, एक बार तो इनको आपस में जोड़ दूँ, मतलब CH3 और ये हो गया CH3। एक बार मैं क्या करूँ C2H5 को एक बार जोड़ दूँ, एक बार क्या करूँगा इनको आपस में जोड़ दूँगा, मतलब ये हो गया CH3 और C2H5, ठीक है। और जैसे आप यहाँ से ये सोडियम को क्लोरीन के साथ निकालते थे वैसे निकाल लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये 2NaCl जैसे पहली बार निकल रहा था वैसे इसमें भी निकल जाएगा, आसान है ना, चलो ठीक है। अब अगला देखते हैं, जो वुड जब क्रिया करा रहे हो ना, उस वुड जब क्रिया में अगर तुम सोडियम के साथ जिंक धातु का उपयोग कर लोगे तो वो अभिक्रिया कहलाती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कुछ स्पेशल अभिक्रिया नहीं है, बस वुड्ज अभिक्रिया के कॉपी है। वुड्ज अभिक्रिया में सोडियम धातु लेते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में बस जिंक धातु लेते हैं। प्रोसेस वही है, जैसे आप पहले करते आए हो उसी तरीके से करोगे। जैसे आर ये हो गया एक्स, अब यहाँ पर ले लो जिंक धातु, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ ले लो, शुष्क ईथर यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से इतनी सारी चीज़ को एक साथ निकाल लो। अब देखो जिंक के ऊपर होता है 2+, एक्स के ऊपर होता है 1-, प्लस माइनस बराबर नहीं है। तो जब प्लस माइनस आपस में बराबर नहीं है तो ये वाला जो नंबर है यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला नंबर यहाँ पे आ गया, मतलब ये जो जिंक है इसके पास एक नंबर आएगा जो कि लिखना नहीं है, और X के पास ये दो नंबर आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो जिंक है ना, एक जिंक हमेशा क्या है यहाँ पे 2X के साथ जुड़ेगा, तो इसका मतलब ये जो 2X है वो एक ही जिंक से जुड़ जाएंगे, तो हमको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो कि ये हो गया R, R एक साथ जुड़ गया और ZnX2, कोई दिक्कत। अच्छा इसको हम फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बोलते हैं, ZnX2 को हम क्या बोलेंगे, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बोलने वाले हैं, ठीक है चलो। अब कुछ एग्जांपल्स भी आप देख लो, देखो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3 और ये हो गया Cl, ये जिंक, ये Cl और ये हो गया CH3, यहाँ से इतनी सारी चीज़ें निकल गई। तो जब ये सारी चीज़ें निकल गई तो बताओ क्या मिला, CH3 और बताओ क्या निकाल लो, ZnCl2, आसान है ना,
चलो अब अगला देखें। अब हम आपको ये बताएंगे कि जब आप वुड्ज अभिक्रिया करा रहे हो तो वुड्ज अभिक्रिया में शुष्क ईथर क्यों ले रहे हो, शुष्क ईथर की आवश्यकता क्या है, क्यों है। देखो अगर मान लो तुम जब रिएक्शन कराए तो उस कंडीशन में शुष्क ईथर नहीं लिए, तो सोडियम जो होता है ना वो बड़ा रिएक्टिव होता है, बड़ा जल्दी क्रिया करने लगता है। रिएक्शन के समय मान लो कहीं से थोड़ी सी नमी आ गई तो सोडियम सबसे पहले क्या करेगा, नमी का मतलब पानी है, तुरंत उसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद बना लेगा NaOH, ये बना लेगा NaOH और हाइड्रोजन गैस को यहाँ से मुक्त करेगा। ये जो NaOH है वो क्या करेगा, इस एल्किल हैलाइड के साथ करने लगेगा रिएक्शन। तो जब रिएक्शन करेगा तो बताओ ये एक साथ निकल गया तो ये बताओ क्या बन गया, ROH, और ये बन गया NaX। इसका मतलब तुम तो एल्केन बनाने वाले थे ना भैया, तो जब एल्केन बनाने वाले थे तो एल्केन बना क्या, नहीं ना, क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। इसीलिए अभिक्रिया की परिस्थिति को शुष्क रखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, शुष्क ईथर का उपयोग करना ही पड़ेगा। कन्फर्म होना, इतनी बात कन्फर्म है, चलो ओके। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है फिटिंग अभिक्रिया। देखो जब वुड्ज अभिक्रिया कराए तो वुड्ज अभिक्रिया में बताओ क्या लिए, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जो है वो कितनी बार लिए हो, दो बार लिए हो। किसके साथ रिएक्शन कराया हो, सोडियम के साथ कराया हो, सोडियम को भी दो बार लिए हो, इसको एक साथ निकाले हो ना, तो यहां से बताओ क्या बना है, RR, और क्या निकाले हो, 2NaX। अगर मान लो इसको हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड, क्या पढ़ोगे, एल्किल हैलाइड, या इसी को हेलो एल्केन भी पढ़ते हो, लेकिन R के जगह पे तुम बेंजिन ले लो, R के जगह पे तुम ले लो बेंजिन, इसको पढ़ने वाले हो एरिल हैलाइड। मतलब अगर यहां से RX के साथ जुड़ा है तो एल्किल हैलाइड, लेकिन अगर मान लो मेरा यहां से बेंजीन के साथ X जुड़ा हुआ है तो हम इसको एरिल हैलाइड पढ़ेंगे। ये जो एरिल हैलाइड है यहां पे भी दो बार ले लो, ठीक है, आप यहां पे दो बार ले लो और सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करा दो, इतना फिर से निकाल लो। ये रिएक्शन होगा तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बताओ कि जब ये निकल जाएगा तो बताओ यही बचा ना, इसको हम पढ़ने वाले हैं डाइफेनिल। अब देखो डाइफेनिल पढ़ते किसे हैं, ये देखो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, और ये जो बेंजीन है वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, सब जगह जो है ये यहां पे हाइड्रोजन है, इसमें 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन है। लेकिन अगर मान लो मैंने क्या किया, हमको यहां पे लिखना है फेनिल, तो फेनिल के लिए हम लिखते हैं C6H5, मतलब एक एच कम हो जाता है, तो अगर फेनिल का स्ट्रक्चर लिखना है तो फेनिल का स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। मतलब इसमें जो हाइड्रोजन होगा वो सिर्फ कितना होगा, 5 ही होगा। तो बताओगे यहाँ पे हुआ क्या कि जब ये निकल गया तो इसमें हाइड्रोजन सिर्फ कितने हैं, 5 ही हैं, तो एक फेनिल ये हो गया, दूसरा फेनिल ये हो गया, तो कितनी बार हो गया फेनिल, दो बार ना, इसीलिए इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, डाई फेनिल पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिटिंग अभिक्रिया में याद रखना कि हमको एरिल हैलाइड लेना है और वुड्स अभिक्रिया में हमको याद रखना एल्किल हैलाइड लेना, कन्फर्म हो। अच्छा अब एक होता है वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, वुड्ज फिटिंग का मतलब आपको उसमें एल्किल भी ले लेना और एरिल भी ले लेना, कंफर्म ना, चलो और देखते हैं। वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, वुड्ज के लिए तुमको क्या लेना था, तुमको लेना था RX, और फिटिंग के लिए बताओ तुमको क्या लेना है, फिटिंग के लिए तुमको लेना है बेंजीन के साथ X, और इसका रिएक्शन किससे कराना है, सोडियम धातु के साथ। ये रिएक्शन बताओ किसकी उपस्थिति में होना है, शुष्क ईथर के। यहां से बताओगे ये इतनी सारी चीज निकल गया ना, तो बताओ यहां क्या बचना, ये वाला मेरा
बना बेंजीन, और इसके साथ बताओ क्या जुड़ गया, आर जुड़ गया। अगर मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ CH3, ये हो गया मेरा Cl, यहाँ से मैं ले लेता हूँ 2NaCl, और ये मैं ले लिया शुष्क ईथर। इतनी सारी चीज़ें मैं निकाल दूँ एक साथ, बताओ ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ CH3 जुड़ गया ना, इसको हम पढ़ते हैं टालुइन। ठीक है, तो ये होता है आपकी फिटिंग, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों एक साथ लेते हैं, कंफर्म हो के नहीं, ठीक है। चलो ये था आपका सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, अगली क्लास में हम आपको मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।